सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आत्मवंदन। तत्त्वम असि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट की मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए जन्म लिया हुआ पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। पीएमसी हिंदी में हर बुधवार रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक, शनिवार पुनः प्रसार 10 बजे होने वाली इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी तत्वमसी में आप सभी को स्वागत। माय डियर मास्टर्स, मैं हूं दीप्ति नादेला। माय डियर फ्रेंड्स, इस अद्भुत सीरीज में, इस अद्भुत फ्रीक्वेंसी में हर हफ्ता हर एक उन्नत ज्ञान विज्ञान के साथ अति उन्नत स्थिति में, पूर्णात्मा की स्थिति में परिवर्तन होते जा रहे हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, इस समय, इस एवोल्यूशन पीरियड में, इस समय जिस ऊर्जा की, चेतना शक्ति की जरूरत है धरती को, उस ऊर्जा की चेतना शक्ति को देने के लिए इस तत्वमसी सामूहिक चेतना को माध्यम बनाकर फ्रीक्वेंसी को धरती पर उतार रहे हैं। माय डियर मास्टर्स, इस फ्रीक्वेंसी में, इस सामूहिक में हम सब जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमें अपने आप को धन्यवाद कहना चाहिए। इतनी सुंदर सी अपॉर्चुनिटी का फायदा हम सब उठा रहे हैं दोस्तों, यही फायदा सभी को मिल जाए। सभी इस एवोल्यूशन का हिस्सा बन जाए, इसका फूल फल पूरा ब्रह्मांड तक मिल जाए। हर एक इंसान अपनी बंधनों से मुक्त होकर स्वेच्छा जीवी की तरह सुंदर सा जीवन जीना शुरू करे। हर एक किंगडम इस स्वेच्छा को अपना कर परमानंद स्थिति में नाचना शुरू करे। ये धरती स्वर्ग बन जाए, इसी के लिए सभी एक दूसरे के हाथ जोड़कर खुद आगे बढ़ते हुए सभी को आगे लेकर जा रहे हैं। इस ग्रेट मिशन में, इस ग्रेट संकल्प में आप सभी को स्वागत मेरा दोस्तों। यस, इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए एनलाइटनमेंट थ्रू सर्विस, एनलाइटनमेंट सर्विस के द्वारा एनलाइटनमेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। माय डियर मास्टर्स, डियर फ्रेंड्स, एनलाइटनमेंट का कई सारे मार्ग है। शांति से बैठकर सांसों के साथ जुड़ना, अपनी इच्छा शक्ति को यूज करना, ऊहा शक्ति को यूज करना, अपने माइंड को यूज करते हुए यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ना। यस, ये समय है आध्यात्मिक प्रगति का, ये समय है सेवा के द्वारा एनलाइटनमेंट का। बहुत बड़ा शिफ्टिंग का जो सिलसिला जारी है इस धरती पर, उस में हमारे में से कई लोग सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करने के लिए ही हम इस पीरियड में यहाँ पर आए हैं। दूसरे को,
ध्यान की बोधना करते हुए, सेवा करते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रगति पाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, कोई आपको एप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं, नेम फेम ग्लैमर इन सब की जरूरत नहीं। आपकी कोई भी छोटा सा एक्शन इस यूनिवर्स को, इस जगत को, मानवता को प्रकाश देने का लायक हो, देने वाला हो, वो करना है। आप अपनी जॉब के द्वारा भी कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी कर सकते हो, तरह तरह की रास्ताओं के द्वारा आप दूसरे को प्रकाश दे सकते हो। इसमें आगे जाके और क्लैरिटी ले लेंगे माय डियर मास्टर्स। हम जितना अपनी लाइट बॉडी को अपनाते जाएंगे, आध्यात्मिक शक्ति का माध्यम बनते जाएंगे। यस माय डियर मास्टर्स, आध्यात्मिक शक्ति मानवता बीच में हम, ये जितना रेडी होता जाएगा, ये जितना प्रकाश को होल्ड करने की लायक बनते जाएगी, ये जितना प्रकाश से भर जाएगी, उतना यहाँ से जिस जिस मानवता की बीच में बैठी है, जिस ग्रह में बैठी है, उसमें ये प्रकंपना इस प्रकाश को चारों ओर फैलाते रहेगी। वो आप और मैं, हम सब है दोस्तों। जो सीखना है वो सब सिखाना है, वो सब टीच करना है, दूसरे को शक्तिवान बनाना ही अपना शक्ति को बढ़ाना है। इसी फ्रीक्वेंसी में रहते हुए गौर से सुन लीजिएगा दोस्तों। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको सुनना भी है, अपने आप को शक्तिवान बनाते जाना भी है, और दूसरे को सिखाना भी है, उनको उनकी शक्ति बढ़ाने में मदद करना है माय डियर मास्टर्स। यस, जितना आप सेवा करते जाएंगे, जितना दूसरे को सिखाने के लिए आप रेडी होते जा रहे हैं, उतना आप भी सीखते जा रहे हैं माय डियर मास्टर्स। आप अपनी माइंड लेवल पर जब जीरो करेंगे, तब वहां पर आप सीख पाओगे माय डियर मास्टर। दूसरे को शक्तिवान बनाने में, दूसरे को सिखाने में, दूसरे को आगे बढ़ने में आप मदद कर रहे हो। दूसरे सीखने के लिए वह स्पेस क्रिएट कर रहे हो, एक जगह दे रहे हो उनको, तब जितना वो बढ़ रहे हैं, उतना आप भी, जितना आप दूसरे को स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उतना आप भी आगे एवॉल्व हो रहे हो माय डियर मास्टर्स। यस, दूसरे को एम्पावर करने से आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलते रहेंगे माय डियर मास्टर्स। बट हमें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके पास जो आ रहा है, जितना वो आप दे रहे हो, आने की प्रवाह ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इतना आ रहा आप दे रहे हो,
वो कल इतना होगा, क्योंकि उसको पता चल गया है यहाँ जो आ रहा है वो लोक कल्याण काम के लिए जा रही है। तब वो क्या करेगी, इतना जो आ रहा वो अगले लेवल इतना बढ़ेगा, जब जो आया वो भी जा रहा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, क्योंकि आप लोक कल्याण के लिए एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन रहे हो। आप एक पाइप की तरह किसी चीज को रोक नहीं रहे हो, सहज स्थिति में सब जो आ रहा है उसको जाने दे रहे हो। यस माय डियर मास्टर्स, इसलिए आप आपकी चारों ओर जिस प्रकाश के साथ रह रहे हो उस प्रकाश से आप कहीं पर भी जाएंगे, वहां की सुंदर सा ग्रेट अपॉर्चुनिटीज के द्वारा आप भी बहुत सारे विषय को अपनाते जा रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, उसके द्वारा आपकी ओरा में, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो प्रकाश बर रही है उस प्रकाश के वजह से बाहर ब्रह्मांड में उस जो अच्छा चीज़ है उनको और अपनाते हुए आप भी अपना ग्रो कर रहे हो। दोस्तों, आप अपनी चारों ओर सभी को प्रेम करुणा रेस्पेक्ट को फिर बांटते जा रहे हो। माय डियर मास्टर्स, जो आप दे रहे हो वो कहीं गुना हमारे पास वापस आ रही है। माय डियर मास्टर्स, करते 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 आप हायर लेवल पर शिफ्ट होते जा रहे हो। माय डियर मास्टर्स, तो इसलिए सेवा करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा आप में बदलाव कब आया, आपको ये सारे गिफ्ट्स कब मिल गया। वो आपको जो गिफ्ट्स मिल गया वो भी फिर दूसरे का गिफ्ट बन जाएगा, उन गिफ्टों के द्वारा भी आप दूसरे का परिवर्तन करते जाओगे। माय डियर मास्टर्स, जो सेवा के द्वारा एनलाइटनमेंट पाते हैं उनको यस वर्ल्ड सर्वर्स, यस माय डियर मास्टर्स, ये विश्व के सर्विस सेवा करने वाले को वर्ल्ड सर्वर्स बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपकी प्रेम एकता की भाव जिस गहराई से आपका भीतर से आ रहा है वो गहराई, वहां से उत्पन्न होने वाली हर भाव दूसरे को भी असर कर कर उनको भी एकता में लाने का काम करती है। दूसरे के अंदर आपसे जो प्रकंपना आ रही है बाहर, ये प्रकंपना जो रेडिएट कर रही है वो प्रकंपना दूसरे के अंदर जाकर उनके इनर लेवल पर काम करके इनर में बदलाव की कारण बनेगी। इनर में जितना बदलाव हो रही है उतना वहां पर प्रकाश बनेगी, ये प्रकाश और बढ़ता जाएगा, ये प्रकाश उनकी परिवर्तन के कारण बनेगी, उनकी भावों में, उनकी सोच विचारों में, उनकी हरकतों में बदलाव आते ही उनके द्वारा जो उनकी जीवन क्रिएट हो रही है उस जीवन में भी बदलाव आएगी। तो उनकी एनलाइटनमेंट के कारण आप बन रहे हो। माय डियर मास्टर, आपकी परिवर्तना बन रही है, आपकी वाइब्रेशन बन रही है। माय डियर मास्टर्स, इसलिए प्रपंच सेवक हमेशा ये पूछना चाहिए, मुझे इस लोक कल्याण में कैसा इन्वॉल्व होना है। बदलाव का कारण मैं एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट कैसा बनूंगी। यस माय डियर मास्टर्स, हर एक को
उनकी एम्पावरमेंट बढ़ाना है, अपनी समस्या के समाधान ढूंढने के लिए उनको रेडी करना है। आज उनके जीवन में एक समस्या आ गया, आप जाके इंटरफियर करके आप सॉल्व करके आ गया, फिर कल कौन करेंगे? फिर आप जाओगे, फिर परसों, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यदि उन्हीं को रेडी करोगे तब हजार बार आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंटरफियर ना करते हुए उनको एम्पावर करनी है। जितना भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे उन सब के बारे में अवगत करवाते हुए, उसका पीछे कारण डिवाइन प्लान कर्म सिद्धांत बताते हुए उनको एम्पावर करना है। कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे रास्ता ढूंढना है, और जब एक बार उसको एम्पावर कर लिया फिर वो हमेशा के लिए रेडी हो गया, यानी उनका शिफ्टिंग यहां से यहां हो गया। यदि उनको एम्पावर नहीं किया, आप इंटरफियर होके काम करके आ गए, तो ये यही का यही रह गया। उस परिस्थिति से इसको जो सीखना था वो तो कुछ सीखा ही नहीं, आप जाके काम करके आप आ गया। इनकी जो होमवर्क था वो आपने कर लिया, फिर इनका क्या फायदा हुआ है? यही होमवर्क करने के लिए फिर अलग एक और जन्म लेना पड़ेगा। यस माई डियर मास्टर्स, नो इंटरफियरेंस, बट वी हैव टू हेल्प ईच अदर। इनको आपके जीवन में जो समस्या है उसका कारण ये है, उसका सॉल्व करने का रास्ता ये है। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ था, मैंने ये किया, मेरा सॉल्व हो गया। तो हिम्मत के साथ आगे बढ़िएगा। आपके समस्या नहीं हो, आप सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं हो, आपके जीवन में होने वाले ये सब संघटना आप नहीं हो। आपको हर वक्त आगे बढ़ाने के लिए ये सब परिस्थितियां आप डिवाइन प्लान करके आया हो, इसलिए इसको सामना करके इसको सॉल्व करने का क्षमता भी, कैलिबर भी, पोटेंशियल भी आप में है करके पॉजिटिव बातें बोल के उनको एम्पावर करो दोस्तों, फिर देखना कितना मजा आएगा। एक योद्धा को बना दिया आपने, उसको क्रिएटर के रूप में बना दिया, फिर आज जिनको आप पॉजिटिव शब्दों के द्वारा बनाकर एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा कर दिया, ये स्ट्रॉन्ग पिलर इस सोसाइटी का स्ट्रॉन्ग पिलर बनके हजारों लोग खड़े होने के लिए, जो अपने जीवन में गिरते पड़ते जीवन जी रहे हैं, वो इनकी सपोर्ट लेकर खड़े होते रहेंगे दोस्तों। हजारों लोग इस ग्रेट पिलर की सपोर्ट लेकर वो भी खड़े हो जाएंगे। यस, इस तरह की एक दूसरे को खड़ा करने का, उनको रेडी करने का, सेवा करनी है, इंटरफियर करने का नहीं दोस्तों। जो जानते हैं वो सब कुछ बड़बड़ बोलने का नहीं, सामने वाले को किस लेवल पे बात करने से समझ में आएगा। यदि वो वेजिटेरियन नहीं है तो वेजिटेरियन बनने के लिए उसकी कौन सा भाषा समझ में आएगा, उस भाषा में समझाना है। उसको जज करने से, कंप्लेंट करने से, चार उल्टा बातें बोलने से मामला उल्टा हो जाएगा। कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए हमें सामने वालों को बदलने की सेवा करनी है दोस्तों। तब हर दिन अपने जीवन से खुद सीखते हुए फिर दूसरे को मदद करने के लिए वो भी रेडी हो जाएंगे। माय डियर मास्टर्स, पॉजिटिव शब्दों को यूज करनी है आपको।
उनकी चेतना को बदलने के लिए मार्ग दिखाना है। क्या है वो मार्ग? ध्यान की मार्ग। एक बार आपने बोला, उनको समझ में नहीं आया, नहीं सुना है, दोबारा समय के अनुसार उनको बोर ना लगे, उनको ध्यान के द्वारा उनकी चेतना शक्ति में बदलाव के लिए इंटेंशन रख सकते हो आप। अंतर्दृष्टियों के द्वारा बदलाव कर सकते हो, जैसा उनमें लाइट को इमेजिन कर लिया, वो लाइट चारों ओर फैल गया। इस तरह की प्रकाश को इनवाइट कर उनके अंदर वो प्रकाश फैल गया, उनकी चेतना शक्ति विस्तार हो गया। इमेजिनेशन पावर से भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ पर। अदरवाइज उनको आप सिखाना होगा कैसे वो अपनी प्रकाश को स्वीकार लेना है, स्वीकार करना है, उसके द्वारा अपनी चेतना शक्ति को कैसा बढ़ाना है। यस माय डियर मास्टर्स, हमारी प्रेम से भरा हुआ एक एक शब्द दूसरे को ताकत देती है दोस्तों। वो सीधा तीर की तरह उनके हृदय में जाकर, उनके हृदय को स्पर्श कर उनमें बदलाव की कारण बनती है माय डियर मास्टर्स। यस, यदि कोई भी हमें सिखा रहे हैं, ओपन रहना है हमेशा। ओपन रहने से आपको सिखाने वाले का आपके बीच में पर्दा हट जाएगा। दूसरे को यदि आप मदद करना चाहते हो, तब आप उनकी बराबर में फील करें। आप उनको बराबर में फील करके सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर की दिव्यता को पहचान लें, तब आप उनको एम्पावर कर पाएंगे। आप जितना दिव्यता को सामने वाले के अंदर देख रहे हो, आपके मुंह से आने वाले हरेक शब्द में वो दिव्यता ही भरा हुआ होगा। वो दिव्य शब्दों की असर से फिर आप जिस दिव्यता को उनके अंदर देख रहे हो, वो अपने अंदर से जागृत करेंगे। उसकी बीज आपने डाल दिया, क्योंकि उनके अंदर दिव्यता को आपने देख लिया, फिर आप जो देख रहे हैं उस दिव्य तत्व को अपने द्वारा आप भेज दिया, तो आप तब तक जो जागृत नहीं हुआ, उस जागृति का कारण बन गया दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, मदद करना अलग, एम्पावर करना अलग। मदद याने यस, भूख लग गया तो किसी को पैसा दे दिया, वो खा लिया, खत्म। एम्पावर करना याने उसके जीवन में उसको जब भी भूख लगेगा, उसकी भूख के लिए उसको कैसा खाना रेडी करना है, उसके लिए उसको एम्पावर करना है, वो खुद अपने खाना बना सकें, उसके लिए वो कहाँ से मनी एनर्जी डेवलप कर सकें। तो यानी आप एक दिन टेम्पररीली जो कर रहे हो वो मदद हो गया, और परमानेंटली उसको सिखा दिया उसको कैसे खड़ा करना है, कैसे जीवन जीना है, तो तब उनकी समस्याओं को कैसा सॉल्व करना है, तब ये एम्पावरमेंट हो गया। यस माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे को मदद करने की चक्कर में उनकी इमोशंस में इंडल्ज नहीं होना है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
कहीं बार आप कहीं दिनों से, कहीं महीने से, सालों से आप किसी को मदद करने में लगे हुए, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहे, आपकी ऊर्जा ड्रेन होते जा रही है। क्यों पकड़ के बैठे हो आप? इंडल्ज नहीं होना है, सेवा यानी सेवा जैसा ही है वो, उसको उसमें मिर्च मसाला यानी इमोशंस नहीं जोड़ना है। एक बार कोशिश किया, दो बार कोशिश किया, एक लेवल तक कोशिश करने के बाद यदि सामने वाला में बदलाव नहीं आ रहा है, फिर किसको एप्लीकेशन देना है? उनकी पूर्णात्मा को। उनकी पूर्णात्मा के साथ आराम से बात कर सकते हो आप। अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ेंगे वो काम और इजी हो जाएगा दोस्तों। यानी आप अपनी पूर्णात्मा की लेवल पर रहते हुए फिर जिसमें परिवर्तन की जरूरत है उनकी पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होकर वहां पर उनको एप्लीकेशन देना है। पूर्णात्मा हमेशा बदलाव के लिए जो जरूरत है वो हमेशा देती रहती है। बस नीचे भौतिक शरीर में बैठा हुआ जो पार्ट है वो लेने के लिए रेडी नहीं होती है। तो उस पूर्णात्मा को एप्लीकेशन देके आपको छोड़ देना है। छोड़ना भी सीखना है दोस्तों। सेवा सेवा जैसा होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं। माय डियर मास्टर्स, जब किसी को सेवा करने के लिए या किसी को देखने में शुरू कर देते हो, आपको किसी भी तरह की सिग्नल मिल रहा है स्टॉप करने के लिए, यू हैव टू स्टॉप, बिकॉज आपकी पूर्णात्मा आपको बता देगी ये आपको करना नहीं है, ये काम आपका नहीं है। तो सुनना है, फॉर्मेलिटी में नहीं जाना है। अपने आप को प्रूव करने के लिए भी करते हैं। माय डियर मास्टर, आध्यात्मिकता को आध्यात्मिकता जैसा ही रहने देना है। आध्यात्मिकता में आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप जैसे हो वैसे सॉलिड, परफेक्ट, यूनिक ही रहा है। फिर दूसरे के सामने अपने आप को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, दिखाने की कोई जरूरत नहीं, अपनी सिद्धियों को प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। माय डियर मास्टर, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे जब रेडी नहीं है, जिस चीज के लिए वो रेडी नहीं है, जिस लेवल पर वो रेडी नहीं है, उस लेवल के ज्ञान उनके ऊपर तोपने के लिए प्रयास करोगे, आपका एनर्जी, आपकी समय वेस्ट, उनका एनर्जी, उनकी समय वेस्ट। आप कॉमन सेंस को अप्लाई करते हुए जिसको जा क्या, किसको क्या बोलना है, बोलने से इनमें क्या परिवर्तन आ सकती है सेंस करते हुए, कब सेंस कर पाओगे आप? अपना चेतना शक्ति को विस्तार कर उनको पहचान पाओगे। तो इसमें एक और स्टेप बता देती हूँ, यदि कर सकते हो तब भी करना, अदरवाइज जल्दबाजी नहीं है। सामने वाला की चेतना को देखने की प्रयास करना, हो सकेगा तब भी करना है, बिना मतलब की किसी की ऊर्जा में इंटरफियर नहीं करना। यदि उसको झेलने का शक्ति आप में नहीं है तो नहीं करना है, लेकिन आपके पास अनंत शक्ति का भरोसा है, ईगो अलग, भरोसा अलग, भरोसा है प्रेम का भरोसा, जहाँ प्रेम है वहाँ भरोसा है, जहाँ अहंकार है फिर वो ईगो हो गया दोस्तों। यस, उस प्रेम तत्व से उनको, चेतना को यदि आप उनकी खुशबू देख पा रहे हो, उनकी सुंघ पा रहे हो, तब आपको समझ में आएगा इस वक्त मेरा शब्दों की असर उनके ऊपर कितना पड़ रहा है। यदि
उस असर से वो बदलाव आने वाला आ सकता है तब बोलो, कोई फायदा नहीं, जिप शांत होना है। ये सॉलिड काम है, चुपचाप देखते हुए उनकी चेतना को एकदम से। ये सब कब होगा? शून्य शून्य शून्यता में ही होगा दोस्तों। यस यस माय डियर मास्टर्स, चेतना बहुत सुंदर तरीके से बदलती रहती है माय डियर मास्टर्स। आप अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बच्चे के साथ जब रहते हैं, आप क्या करने से उनकी चेतना शक्ति में बदलाव आकर उनको मदद हो सकती है वो करें। आपको क्या करने से, किसी से भी यदि मिल रहे हो, आपके मिलने से, आप क्या देने से उनको मदद हो सकते हैं, उनमें परिवर्तन हो सकते हैं, उनमें एवोल्यूशन हो सकते हैं, वो दे दे दोस्तों। कोई भी जॉब, आप जहां पर जॉब कर रहे हो, आपसे मिलने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको उन्नत स्थिति की पहुंचने की रास्ता यदि दिखा दिया, शब्दों के द्वारा, वीडियो के द्वारा, ध्यान कैसा करना है, आपको ध्यान करने से आप में कितना बदलाव आया है, आपके परिवार में कितना बदलाव आया है, ये देखिएगा। पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब करवाया, इस तरह के जो भी आपके पास आ रहे हैं उनकी परिवर्तन की जब आप कारण बन रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके परिवर्तन हो रही है दोस्तों। आप दूसरे को जितना स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं उससे कहीं गुना आप अपने आप स्ट्रांग बनते जा रहे हैं माय डियर मास्टर्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, हर पल हर जगह पर आप हर तरह के सेवा भाव से दूसरे की चेतना को विस्तार कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे के पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होने से उनकी चेतना को भी बदल सकते हैं। बच्चे के पूर्णात्मा के साथ जुड़कर आप अपने अपने मन में ये बोल सकते हैं, मैं आपके भीतर की सुंदरता को, प्रकाश को देख रही हूँ, आपको धन्य जीवी के रूप में मैं पहचान लिया। आप जितना शांति से ये मैसेज देते जाएंगे उतना रेस्पॉन्स आप उसमें उनमें देख पाएंगे दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, उन जैसा है वैसे स्वीकार करें। उहा शक्ति के द्वारा दूसरे के प्रकंपना की बदलाव के कारण बन सकते हो दोस्तों। जिनको जरूरत है उनको मदद करते हुए आगे बढ़ सकते हो माय डियर मास्टर्स। यदि एक व्यक्ति की समस्या की परिष्कार आप दिखा रहे हो तो उसी समय आप ये इमेजिन कर सकते हो उसी समस्या को लेकर इस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं वो सारे लोग उस समस्या की परिष्कार ले रहे हैं, क्योंकि आप एक व्यक्ति को उस समस्या की परिष्कार दिखा रहे हो व्यक्ति को, तो उसके साथ साथ उसी समस्या जितनी लोगों के पास है इस ब्रह्मांड में उन सबको भी वो ज्ञान मिल रहा है। यदि एक बच्चे को आप मदद कर रहे हो, उस बच्चे को मदद करते हुए एक बच्चे के द्वारा इस ब्रह्मांड में उस समय उस समस्या को लेकर जितने सारे बच्चे उन सबको ये मदद मिल रहा है। सिंगल पावरफुल इमेजिनेशन विल वर्क ए लॉट माय डियर मास्टर्स।
बहुत काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे को कब मदद करना चाहिए कब मदद नहीं करना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दूसरे को चेतना बदलने का सिलसिला में आप में कुछ ना कुछ असर आएगा। उस असर के बारे में आपको पहले ही जानकारी होना चाहिए, तो उतना ऊर्जा हमारे पास है। यदि आप पूरा अपनी माइंड को यूनिवर्सल माइंड के साथ जोड़ के रख दिया, तो उनको जो चाहिए वो आपके द्वारा प्रसारित होता जाएगा। यदि आप बीइंगनेस में है, यदि आप सरेंडरेंसी में है सोल लेवल पर, तब अदरवाइज फिर आपको देखना पड़ेगा। यदि मैं कर रहा हूँ उस स्थिति में तो नहीं है कहीं आप, तब तो आपको अपनी ऊर्जा को खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप कर रहे हो। यदि आप कर ही नहीं रहे हो, आप वहां से गायब हो चुके हैं, यानी मैं कि शब्द वहां पर माया गायब हो चुकी है, तब कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो चाहिए वो ले रहे हैं, जिसको जो देना है वो दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? यूनिवर्स, नेचर, मदर की गोदी। यस माय डियर मास्टर्स, दूसरे को कहीं लोगों को एडवाइस देने से, आपकी एडवाइस लेकर कोई लोग अपने जीवन में बदलाव करते हैं, किसी किसी को सालों भर उनका पीछे लगने से भी कोई फायदा नहीं होता। जब आपकी एडवाइस लेके उनमें बदलाव आ गए, आप खुश हो जाएंगे। दूसरी बंदा को कितनी बार बोला आपने उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, आप बर्डन फील करना शुरू करोगे। आया इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में? आया? आपने आपके पास कोई समस्या बता दिया, वो समस्या आपने सुन लिया, अच्छा ये कर लो, उसने कर लिया, उसका अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, उसने आपके साथ शेयर किया, वाओ आप भी खुश वो भी खुश। दूसरा एक बार समस्या बता दी, आपने कुछ बोला, उनमें कोई परिवर्तन नहीं, दोबारा तिबारा ये सिलसिला चलता रहा, सालों साल हो गया कोई परिवर्तन नहीं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी समस्या आपकी समस्या बनते जा रही है, वो आप देख नहीं पा रहे हो, तब उनकी समस्या आपकी भारीपन होते जा रहा है। इसलिए आपको ये शोल्डर्स, आपके नेक, ये बैक पेन, पीठ में दर्द हो रहा है दोस्तों। आपकी पीठ का दर्द की कारण या रीढ़ की हड्डी का कारण सिर्फ ये है, ये नहीं बोल रहे हैं। यदि इसमें इस परिस्थिति में है, तो उनकी बारीपन की ऊर्जा को आप जाने अनजाने में लोअर इमोशंस के द्वारा खींच रहे हो। इसलिए एक समझ, ज्ञान होना जरूरी है माय डियर मास्टर्स, तब उनको मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, वो अपने जीवन में जो भी समस्या लेकर आए वो उन्हीं का ही डिवाइन प्लान है। उसकी डिवाइन प्लान में जिस समस्या को वो लिखित सृजन कर लेकर आए, उस समस्या की परिष्कार ढूंढने का क्षमता भी उनमें है। मैं उन्हीं का ऊपर छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ। आई लव यू, उस महोन्नतात्मा को नाम बोलो, प्यार करो, फ्री करो, खत्म। उफ, क्लियर, फ्री हो जाओ। ये भी सीखना है, डोंट इंडल्ज, क्योंकि जब एक व्यक्ति की चक्कर में
आप अपनी समय अपनी एनर्जी व्यर्थ करके अपने आप को डुबो दोगे, आपके द्वारा परिवर्तन के कारण आपके द्वारा हजारों लोगों में परिवर्तन होने वाले हैं, वो काम रुक जाएगा। यस माय डियर मास्टर्स, यदि फैमिली मेंबर्स में भी, मैं अपना ही एग्जांपल बता रही हूँ, मुझे फैमिली मेंबर्स में भी कोई भी यदि मेरे ऊर्जा के साथ खेलने के लिए उनके द्वारा कोई एनर्जी प्रवेश कर रही है, यदि मुझे सेंस हो जाते हैं, मैं उनको वहीं रोक देती हूँ। वो कोई भी हो, वो मदर हो या कोई भी हो, कोई भी हो, तो सीधा सीधा उनको बोल देती हूँ। वहाँ मदर की अटैचमेंट की इमोशन में मैं नहीं जाती हूँ, उनको जो कहना है मैं उनको सीधा सीधा कह देती हूँ, ताकि वो ऊर्जा के असर मेरे ऊपर ना आए, वो हिम्मत ना करे मेरे पास आने का, क्योंकि वो इमोशनली कोशिश करती है हमारे परिवार वालों के द्वारा हमारे पास आने के लिए। यदि आप सीधा सीधा किसी को आने नहीं दे रहे हो तो इनडायरेक्टली आने के लिए अवेयरनेस, दूसरे को जज नहीं करना है, दूसरे को कंप्लेन नहीं करना है, जहां पर सब कुछ चल रहा है वहां ठीक है, लेकिन सडनली उन किसी फैमिली में किसी लव्ड वन का डेथ हो जाता है, इधर उधर कुछ ना कुछ हादसा हो जाती है, तब एकदम से वो फिर अपने होप्स छोड़ देते हैं और अपनी लव्ड वन शरीर छोड़ने से एकदम से वो लोअर फ्रीक्वेंसी में गिर जाते हैं। फिर वो लोअर फ्रीक्वेंसी में अननेसेसरी लोअर इमोशंस को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वहां से फिर वो आपको देना शुरू करते हैं। तो ये सब चीज जानने के लिए है, समझने के लिए है, डरने के लिए नहीं है। डरने वाला पिरामिड मास्टर है ही नहीं, डरने वाला पिता महाब्रह्मर्षि पत्रि जी की सेना ही नहीं है, राइट? यस माय डियर मास्टर्स, आंख बंद करके सुनना है तो आंख बंद करके सुन लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। दूसरे की समस्या को अपनी समस्या बनाकर भारी ऊर्जा को लेने की कोई जरूरत नहीं। यस माय डियर मास्टर्स, हम ऐसा लोक में है, दूसरे को सेवा करना बहुत सुंदर बात है दोस्तों। अपने आप को अवेयरनेस में रखते हुए आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हुए ये सेवा करनी है दोस्तों। आप कितना ऊर्जा लगा रहे हो, वो जो लगाया हुआ ऊर्जा कितने लोगों को बदलने के लिए कारण बन रही है, ये आपके सामर्थ्य को बता देती है। यदि ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हो, कम लोगों की परिवर्तन के कारण बन रहे हो, तो अभी और सीखने की जरूरत है आपको। कम ऊर्जा लगा रहे हो, ज्यादा लोगों की परिवर्तन की कारण बन रहे हो, समझ लीजिए दोस्तों, आप एक महोन्नत आत्मा की स्थिति में पहुंच गए। यस माय डियर मास्टर्स, जब भी दूसरे को मदद करना हो, पूछना है मेरा मदद ये ले पाएंगे, उनकी पूर्ण आत्मा से पूछना है। आप दूसरे के पूर्ण आत्मा से बात कर सकते हो,
दूसरे को मदद करना है तो उनकी पूर्णात्मा से पूछते हुए बोलना है, मुझे किसी सिंबल में दिखा दो, यदि मुझे नहीं करना है क्रॉस में दिखा दो, यदि मुझे मदद करना चाहिए टिक में दिखा दो करके, ये दो सिंबल एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, एक फ्लावर या पत्थर, ऐसा भी आप अलग अलग सिंबल्स यूज करके, बट वो सिंबल बताना है सामने वाले के पूर्णात्मा को, फिर अपने आप को पूर्णात्मा के लेवल पर बिठाकर दूसरे के पूर्णात्मा को बोलना है, मैं इसको मदद कर सकती हूँ, मुझे बता दो इस सिंबल में करके। यदि उन्होंने क्रॉस दिखा दिया पीछे हटना है, टिक दिखा दिया आगे बढ़ना है, उस तरह के सिंबल्स यूज करके भी आप दूसरे के पूर्णात्मा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो माय डियर मास्टर्स। दूसरे को मदद करने से पहले उनके साथ ट्यून होकर चेक कर कर आगे बढ़ने से बेटर रहेगा, अदरवाइज आप आत्म स्थिति में आ गए तब तो आपको नेचुरल गाइडेंस मिलता रहेगा। कौन कोई यदि पास में आ गया आपको पता चलेगा उनके साथ किस लेवल तक आप बिहेव कर सकते हो, उनके पास जा सकते हो या नहीं, उनको टच कर सकते हो या नहीं, सब कुछ आपको पता चलेगा। उस गाइडेंस को, इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, अपने आप को बचाते हुए दूसरे को सेवा करना है। बचाते हुए मतलब वो फियरफुल शब्द नहीं है, कॉमन सेंस फियर नहीं है, फियर बेस्ड नहीं होना चाहिए फिर इसमें। यस माय डियर मास्टर्स, शांति से सुखासन में बैठकर बंद आंखों से अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाइएगा। करुणा भाव से रहते हुए बंद राहित्य कोई भी संबंध ना रखते हुए, यानी इमोशनल कनेक्टिविटी ना होने से ही आप सेवा अच्छा से कर सकते हो। दूसरे को उनकी लेसन्स उनके जीवन में परिस्थिति बन के कैसे आ रहे हैं उनके प्रति अवगत करवाना है दोस्तों। सेल्फ लव के लिए सिखाना है, अपनी प्रति रेस्पेक्ट करुणा से कैसा रहना है सिखाना है, पेशेंसी के साथ कैसा रहना है, भीतर से कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है वो सिखाना है दोस्तों। यदि आपके शब्द दूसरे को मिसलीड कर रहे हो वो बहुत गलत है मेरा दोस्तों। शांति सांसों के साथ जुड़ जाइए। दूसरे को जगाने के लिए सबसे पहले आपको ज्वालामुख बनना होगा, ज्योति बनना होगा, प्रकाश वाली ज्योति, दिया बनना होगा।
अपनी अंत प्रकाश से ही आपको प्रज्वलित होना होगा दोस्तों। जॉय के साथ शक्ति से भरा हुआ होना होगा दोस्तों। जो भी आप काम कर रहे हो उसको दिल से काम करते हुए अपने जीवन को प्यार करते रहना होगा। ये सब आप दुनिया को देने वाले तोहफा है। सी जॉय के साथ दूसरे को आप आकर्षित करते हो। दूसरे के अंदर आप क्या देखना चाह रहे हो, दूसरे के अंदर किस तरह की परिवर्तन देखना चाह रहे हो, उसको प्रसरित करें दोस्तों। उन लक्षण को प्रसरित करें। यू कैन डू थ्रू योर लाइट बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ लाइट। जितना आप एवॉल्व होते जा रहे हैं ऊपर उठते जा रहे हैं उन्नत स्थिति में जा रहे हैं उतना दूसरे को इजीली मदद कर पा रहे हैं। अपनी सक्सेस के बारे में सभी को बोलने की कोई जरूरत अपनी कार्य से ज्यादा अपने दोस्तों की दूसरे के कार्य में मदद करने के लिए जब आप कोशिश कर रहे हो, दूसरे की परिवर्तन को एप्रिशिएट करते जा रहे हो, तब समझ लीजिएगा आप डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन गए। स्वार्थ छोड़कर आपके पास जो है वो सभी की उन्नति के लिए बांट रहे हो। समझ लीजिएगा आप ही पूर्णात्मा हो। माय डियर मास्टर्स, एनलाइटनमेंट को पाने के लिए जॉय को, संपदा समृद्धि एबंडेंस को पाने के लिए, सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए सुंदर सा मार्ग है वर्ल्ड सर्वर। हर तरह की अपॉर्चुनिटी को सुनते हुए देखते हुए उसके द्वारा दूसरे को सेवा शक्ति को देने वाले बहुत इजीली बहुत जल्दी एनलाइटनमेंट आएंगे। एनलाइटनमेंट थ्रू सर्विस, सेवा के द्वारा एनलाइटनमेंट। माय डियर मास्टर्स, आपके सबसे पहले तो अवेयरनेस ऊर्जा को स्वीकार करें, अवेयर रहना है। अपने हाथ में यदि कोई क्रिस्टल है आपके पास इस वक्त, उसको हथेली में हाथ में लेके बैठ सकते हो। यदि ऑलरेडी ध्यान की गहराई में पहुंच गए, उठना नहीं, एस्ट्रली आप एक क्रिस्टल को इनवाइट करके आपके हाथ में वो आके बैठ गई है, इमेजिन कर सकते हो। प्रकाश को इनवाइट करें दोस्तों। उस प्रकाश की ककुन बेलून की तरह वो सुंदर सा प्रकाश फैला हुआ है, वो आपके सामने आई है।
उस ककून में सेंटर पॉइंट पर बैठकर बेलून जैसा, उसकी सेंटर पॉइंट पर बैठकर एक दिव्य स्थान के लिए प्रस्थान हो रहे हो। एक दिव्य जगह है, वहां जाने के लिए उस जगह की ओर आगे बढ़ रहे हो। वहां पर बहुत सारे हायर डायमेंशन के उन्नत लोक की जीवी की समूह, हायर डायमेंशंस की मास्टर्स की ग्रुप जाते हुए देखिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा, यदि नहीं दिख रहे तो। यस माय डियर मास्टर्स, आप उस जगह के पास पहुंच चुके हैं जिस जगह के लिए आप निकले। दिव्य ऊर्जावान, दिव्य प्रकाश से भरी हुई वो स्थान, वहां पहुंचते ही वहां की सुंदर सा शक्ति शांति प्रेम जॉय को कण कण में फील करे माय डियर मास्टर्स। आपके पूर्ण आत्मा आपको मिलके आपसे बात कर रही है। आपकी पूर्ण आत्मा आपको साथ ले जाके उस हाईली एवॉल्व्ड मास्टर्स की ग्रुप की बीच में आपको भी बिठा दिया है। यानी वो सब गोलाकार में है, उनके सेंटर पॉइंट पर आप है। ग्रेट एजेंडा के साथ लोक कल्याण के लिए सेवा करने के मूल उद्देश्य के साथ वो पूरा ग्रुप वहां गैदर हुआ है। वो एक दूसरे के साथ लोक कल्याण के लिए आइडियाज शेयर कर रहे हैं। सभी का एक ही उद्देश्य है, लोक कल्याण। आप भी उसमें शामिल है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, उस ग्रुप में एक हो गए आप। आप भी उन सब आइडियाज को सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। माय डियर मास्टर्स, जब आप इसको स्वीकार कर लिया, वहां पर एक बहुत बड़ा गेट दरवाजा खुलते हुए देखिएगा। उस दरवाजा को
खोल के पकड़े हो रहे हैं, पकड़ कर खड़े हैं द ग्रेट हाईली एवॉल्वड मास्टर्स और आपके पूर्ण आत्मा। माय डियर मास्टर्स, उस दरवाजे के उस साइड अनंत प्रकाश को किन शब्दों में बिठा दे दोस्तों। अद्भुत प्रकाश, लाखों करोड़ों सूर्य एक साथ उतने प्रकाश, वो उन्नत मार्ग प्रपंच सेवा की सिंह द्वार, जो प्रकाश दरवाजे के उस पार दिख रहा है, वो प्रकाश आध्यात्मिक प्रगति को और सुंदर तरीके से बढ़ाने वाली है। उस मार्ग के द्वारा जाने से आपके जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा दोस्तों। मीनिंगफुल सेवा करते हुए मीनिंगफुल सेवा करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है दोस्तों। इस मार्ग के द्वारा यात्रा करने से लोक कल्याण के लिए रियल कमिटमेंट करते हैं दोस्तों। रियल कमिटमेंट आपकी भीतर से गहराई से आएगा अपने आप नेचुरली। हर पल हर बार उसी के बारे में ही सोचेंगे। जब आप रेडी है तब भी उस दरवाजे के गेट की गेट पार करके उस डोरवे से गेट पार करके उस पार जाना है दोस्तों। आप तैयार हो तब भी जाना है। आप उस डोरवे में उसके द्वारा यदि एक पार कदम रख लिया, उस अद्भुत प्रकाश में एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे, तब वहां पर हाईली एवॉल्वड मास्टर्स एक ही साथ आपको लोक कल्याण के लिए जरूरत वाली स्पेशल गिफ्ट्स देने के लिए आपके पास आएंगे। माय डियर मास्टर्स,
जो उस डोर में मैं प्रवेश कर लिया, जो रेडी है वो प्रवेश करें, उस दरवाजा में एंटर कर उस अनंत दिव्य प्रकाश को अनुभूति करते हुए एक एक कदम आगे डालते हुए आगे बढ़िए। हाईली एवॉल्व्ड मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स एक ग्रुप में आपके पास आए आपसे मिलने के लिए। खुशी खुशी मुस्कुराते हुए वो आपको वेलकम कर रहे हैं। आपके पास आकर आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, जो लोक कल्याण के लिए जरूरत है, वो सारे गिफ्ट्स आपको दे रहे हैं। आपको अपने उन्नत लक्ष्य के प्रति समझ बढ़ गया, आपको क्या करना चाहिए, किस मूल उद्देश्य के साथ धरती पर उतरे, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। वो लक्ष्य पूर्ण होते हुए उन सारे एवॉल्व्ड मास्टर्स की प्रेम सपोर्ट को आप रियलाइज कर पा रहे हो। धन्यवाद, कृतज्ञ फील कर रहे हो दोस्तों। आपके हाथ में जो क्रिस्टल है आपके हृदय के पास रख लीजिए। लोक कल्याण होना है, लोक कल्याणकारी काम के लिए मैं तैयार हूं। लोक कल्याण के लिए, सेवा करने के लिए मैं तैयार हूं। आप पूछ भी सकते हैं, मेरे उन्नत लक्ष्य की ओर मैं कैसा बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकते हूँ। और ये यूनिवर्सल वर्क क्या हो रहा है, कैसा करना है, जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। का जो भी जवाब आ रही है स्वीकार करें शांति से।
जो भी जवाब मिल रहा है उसको स्वीकार करें, जो पूछना है शांति मन से पूछिएगा। आपकी पूर्ण आत्मा एवॉल्व्ड बीइंग्स, उन्नत लोक के मास्टर्स, हायर डायमेंशन मास्टर, सभी लोग आपके पास आकर आपके हाथ में, हथेली में जो क्रिस्टल है उसको शक्ति से भर रहे हैं। उसके द्वारा लोक कल्याण के लिए, यूनिवर्सल वर्क के लिए जिस शक्ति की जरूरत है, उस शक्ति को आप तक पहुंचा रहे हैं। वो शक्ति आपके हर एक कण कण में पहुंच रही है, सारे शरीरों में, सारे चक्रास में। सारे भावों में, सोच विचारों में, पूर्ण अस्तित्व में शक्ति और चेतना पहुंच रही है। उसको फील करें, महसूस करें। आप अब से लेकर इस पल से लेकर आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी क्रिस्टल को पकड़ेंगे वो यूनिवर्सल वर्क के लिए, लोक कल्याण के लिए मदद करेगी। Yes, my dear masters. धीरे धीरे अब आपकी पूर्ण आत्मा आपके पास आ रही है।
आपके पूर्ण आत्मा आप में मर्ज हो रही है दोस्तों, सम्मेलित होते जा रही है, आप में मिल रहा है। आप और आपकी पूर्णात्मा एक हो चुके हैं दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, जितना एवॉल्वड सोल्स, एवॉल्वड मास्टर्स वहां खड़े हैं, हायर बीइंग्स, वो सब अवेकनिंग कॉल आप तक पहुंचा रहे हैं। उसकी शक्ति से आप भर गए हैं। वो शक्ति आपके पूर्ण अस्तित्व में भर के आपके द्वारा चारों ओर फैल रहा है। उन सारे जीवियों तक जो अपने अंत प्रकाश को जगाना चाहते हैं, उन सभी तक ये अवेकनिंग कॉल जा रही है दोस्तों। आप कांति कार्यकर्ता बन गया है दोस्तों। प्रकाश को प्रसरण करने के लिए आप तैयार हो गए। प्रकाश को फैलाते हुए दूसरे को जागृत कर रहे हो। आपके द्वारा सभी तक जो प्रकाश जा रही है, देखिएगा उनमें आने वाले सुंदर परिवर्तन को देखिएगा, उसको फील करें दोस्तों, महसूस करें, अनुभूति करें। यदि किसी भी पूर्णात्मा को टेलीपैथी के द्वारा कोई समाचार देना चाहते हैं,
अब उनकी पूर्णात्मा को आप दे सकते हो। Yes, my dear master. आपके समाचार प्रेम के रूप में उन्नत स्थिति में होना चाहिए। आपके पूर्ण आत्मा आपकी शक्ति को और सुंदर बना देगी, तब आपके हृदय से उस व्यक्ति की हृदय तक वो शक्ति प्रकाश के रूप में जाएगी। इस सुंदर सा स्थिति में शांति से बैठे रहिएगा। जब तक आपको अच्छा लगेगा तब तक बैठे रहिएगा दोस्तों। जब तक आपको अच्छा लगेगा तब तक इसी स्थिति में बैठे रहिएगा दोस्तों। जब आपको वापस आने का मन करता है तब अपनी मस्तिष्क में अपनी मन में कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त करें उन एवॉल्व्ड बीइंग्स ग्रेट मास्टर्स को। थैंक यू वेरी मच, लव यू। उन सबको धन्यवाद बोलें और अनंत प्रेम से भरे हुए लोक कल्याण के लिए रेडी हुआ प्रकाश के प्रतिबिंब बनकर वापस आ रहे हो, उन सबको बाय बोल दीजिएगा। जिस जगह पर आप बैठे हैं, आपके घर में आपके कमरे में अपने शरीर में वापस आ जाइएगा ककून के साथ। My dear masters,
देखिएगा कितना प्रकाशवान हो गए हैं आप, कितना मन की शांति है, फील करें दोस्तों। देखो आप कितना आपके भीतर मन की शांति बढ़ गई, कितनी प्रकाशवान हो गए आप, अपने आप को देखिएगा। आप दूसरे को प्रकाश जब भेजते हैं आपके प्रकाश बढ़ जाती है, प्रसरित करने वाली शक्ति बढ़ जाती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है दोस्तों। आप प्रकाश को, शक्ति को, प्रेम को अपना भीतर स्थिर कर सोर्स एनर्जी बनकर उस प्रकाश का सोर्स आप है, उस शक्ति का सोर्स आप है। उस प्रेम का सोर्स आप है, करुणा की सोर्स आप है। आपके भीतर इन सब को स्थिर कर परमानेंट कर दूसरे को भेज पा रहे हैं। यस माई डियर मास्टर, अपने भौतिक शरीर को महसूस करें, पैर के तलवों से लेकर सिर तक अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। यदि सो जाना है आप आराम से सो जाइए, ध्यान में बैठना है ध्यान में कंटिन्यू करें, बाहर आना है तो अपने भौतिक शरीर को महसूस करते हुए दोनों हथेलियों को, पैर की तलवों को हिलाते हुए हल्का सा प्यार से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर आंखों के ऊपर लेकर आइए। 5 4 3 2 1 शून्य, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ माय डियर पूर्णात्मा वापस आ जाइए। प्रकाश का प्रतिबिंब महाचेतना की शक्ति विस्तार रूप से लोक कल्याण के लिए रेडी होके आ गए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल।